मांझी ताजपुर में दाहा नदी पर बने पुल की स्थिति महज 13 वर्षों में ही जर्जर वो भयावह हो चुकी है। पुल में जगह जगह दरारें पड़ जाने के कारण वर्षों पहले जिला के वरीय अधिकारियों के निर्देश पर सुरक्षा की दृष्टि से विभाग द्वारा पुल पर बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दिया गया था, लेकिन पुल के निर्माण या मरम्मत की दिशा में विभाग द्वारा अब तक कोई कदम नहीं उठाए जाने, बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक लगने से ताजपुर से सिवान के लिए चलने वाले बड़े वाहन पहले इस पुल के रास्ते चला नहीं करते थे, लेकिन अब बड़ी वाहन इस टूटे हुए पुल के रास्ते जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को अनदेखा कर चलने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है, शाम के समय उक्त पुल के दोनों तरफ दो दर्जनों की संख्या में मुर्गा मीट मछली की दुकान सज जाती है, जहां उक्त पुल पर खरीदार लोगों की भीड़ सैकड़ों की संख्या में लगी रहती है। लोग कहते हैं, स्वच्छ सुंदर पुल पर कचरा फैला हुआ रहता है, गंदगी फैली रहने से सभ्य लोगों का पुल पर आना जाना गुनाह बन गया। वहीं स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। माने भारी वाहन का आना जाना 24 घंटा शुरू है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है और बहुत बड़ा हादसे का कारण यह पुल बन सकता है, जिससे सरकार की भी बदनामी होगी और क्षेत्र के तमाम अधिकारी पदाधिकारी भी इस पर बेनकाब हो जाएंगे। पुल बनने के क्रम में बहुत ही घटिया सीमेंट और लोहा और गुणवत्ता पूर्वक सीमेंट का प्रयोग नहीं करने के कारण यह पुल उद्घाटन के चंद महीनों के बाद ही 3-4 वो बीम कहा जाएगा देहाती भाषा में, वो बीचों बीच चटक गया है। आज तो आप देखने से लगेगा, कोई भी अधिकारी पदाधिकारी आकर के देख सकता है कि वह बीम टूट करके और एक दूसरे से 1-1.5 इंच अलग हो गया है और लोहे का वो कील दिखाई दे रहा है, लोहे का छड़ दिखाई दे रहा है। जिस दिन लोहे का छड़ वो टूटेगा भारी वाहन के बोझ से दब करके, उस दिन बहुत बड़ी हादसा हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे पथ निर्माण विभाग के तमाम भी पदाधिकारी माने तेल डाल करके सोए हैं, किसी में भी जागृति नहीं है कि भारी वाहन के आवागमन से इस पुल पर रोका जाए। और मैं तो कहूंगा यह पुल सिवान और छपरा का। बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ रामकृष्ण सिंह और मैं मांझी प्रखंड का 2006 से 2016 तक उप प्रमुख का दायित्व का हमने निर्वहन किया। यह पुल माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा 14 फरवरी 2010 को इसका शिलान्यास उद्घाटन किया। अब उद्घाटन के कुछ ही महीनों के बाद इस पुल की 5वें पियर और बीच में जो बीम होता है उसमें दरारें आ गई, वो बीम टूट गया। इसके संबंध में कई बार संबंधित PWD विभाग के अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया और PWD के अधिकारियों के द्वारा इस पुल को भारी वाहन आवागमन से रोक के लिए, ये देखिए ये पिलर है, लोहे का गाटर लोगों ने गाड़ा है, लेकिन एक दिन 14 चक्का वाला जो ट्रक होता है भारी वाहन लेकर के आया और वह तोड़ करके आज 2 महीना से ये तोड़ करके आगे चला गया। पुनः इस पर भारी वाहन का आवागमन शुरू हो गया है। कभी भी कोई अप्रिय दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि बेरोक टोक ओवरलोडेड बालू और गुठनी मैरमा को जोड़ने वाला यह पुल है। यदि और इस पुल को अविलंब एक दूसरा पुल का निर्माण हो ताकि यहां से वहां तक लिंक छपरा और सिवान का लिंक बना रहे, उत्तर प्रदेश और बिहार का लिंक बना रहे, यही मेरा कहना है। कौन सा नदी है ये नदी? आपका दाहा नदी प्राचीन नदी है, इसको इतिहास में कहा गया कि अब बांध सरई है, लक्ष्मण के बाण से निकली हुई है, लेकिन यहां इस नदी का नाम दाहा नदी है जो गोपालगंज के सासा मुसा चौर से सिवान गोपालगंज और छपरा के इलाके होते हुए सरयू नदी में जाकर के
मिलन करती है और लंबी दूरी बढ़ जाता है। और नदी कल हमको लगा कि इस नदी के उद्घाटन के लिए उद्धार के लिए एक आंदोलन चला है। लोगों ने गोपालगंज से आए हुए लोगों ने हमको बताया कि हम लोग उद्गम स्थान से सरयू नदी के इस नदी के मिलन स्थान तक आए हैं और सरकार को इससे अवगत कराएंगे कि इस नदी जो इसका तल भर गया है और बरसात के दिनों में अगल बगल के गांवों में यह विकराल रूप ले लेता है और बाढ़ का कारण बन जाता है, इसलिए इस नदी का भी जीर्णोद्धार हो, उत्खनन हो, ताकि पानी आवागमन में कोई और रूप पैदा नहीं हो। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अशोक सिंह हमारा नाम है। कौन पंचायत? ताजपुर पंचायत। बताइए समस्या क्या है? समस्या ये है जो देखिए 2010 में बना है ये पुल, अभी ये टूट चुका है। सैकड़ों बरस का वो ब्रिटिश का बनाया हुआ वो पुल है, वो देव कहते हैं, और ये 10 बरस में टूट करके सब इधर उधर, बड़े वाहनों का जाना यहाँ बंद है, लेकिन सभी वाहन जा रहे हैं। तब इस संदर्भ में आप लोग कहीं कहे हैं? कहीं नहीं, हम लोग कहाँ कहे, कोई विभागीय आदमी आ नहीं रहा है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।